गुड इवनिंग टू ऑल। आवर टुडेज टॉपिक इज गाइडेंस। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ गाइडेंस, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्देशन के बारे में। निर्देशन का अर्थ क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं और उसका स्कोप या विषय क्षेत्र क्या है। चलिए हम बात करते हैं गाइडेंस की। लेकिन गाइडेंस से पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर काउंसलिंग की, ठीक है। तो जो काउंसलिंग है आपका, ठीक है, काउंसलिंग इज़ अ सेंट्रल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ गाइडेंस। जब हम किसी को गाइड करते हैं, किसी का गाइडेंस करते हैं, तो उसके साथ में हमारी काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पर गाइडेंस की। जब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ गाइडेंस की, या गाइडेंस का अर्थ क्या है या निर्देशन का अर्थ क्या है, तो आप सबको मालूम है कि मनुष्य का जब जन्म होता है, जब वो बालक होता है, ठीक है, और जैसे जैसे वह समाज के संपर्क में आता है, उसके सामने कई तरह की प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। वो कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करता है। वो प्रॉब्लम्स उसके घर में होती हैं, फैमिलीज़ में, सोसाइटी में, समाज में। उसके बाद जैसे वो विद्यालय में आता है, तो कई प्रकार की समस्याओं से घिरा रहता है। जो डेली रूटीन में कई तरह की प्रॉब्लम आती हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम के समाधान के लिए जब किसी न किसी प्रकार की किसी न किसी व्यक्ति से सहायता लेता है, तो उसको हम गाइडेंस कहते हैं, ठीक है। गाइडेंस का मीनिंग क्या है, जिसके आधार पर एक अथवा अनेक व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। गाइडेंस इज एन असिस्टेंस मेड अवेलेबल पर्सनली क्वालिफाइड एंड ट्रेंड मैन और वुमेन टू एन इंडिविजुअल ऑफ एनी एज टू हेल्प देम मैनेज देयर ओन लाइफ एक्टिविटीज, डेवलप देयर ओन पॉइंट्स ऑफ व्यू, मेक देयर ओन डिसीजन एंड कैरी आउट देयर ओन बर्डन। जो गाइडेंस है आपका, गाइडेंस के थ्रू हम किसी भी व्यक्ति को जो किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आई है, उसको वो प्रॉब्लम उसकी सोशल, इमोशनल, फैमिली की प्रॉब्लम, एजुकेशनल प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो हम उसको सहायता प्रदान करते हैं। सहायता कौन प्रदान करता है, जो आपको गाइड कर रहा होगा वो स्पेशली ट्रेंड होगा कि आपके प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉर्ट आउट करना है, कैसे आपकी प्रॉब्लम को समझना है, कैसे आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो काउंसलर होता है आपका, जो आपको गाइड करता है, वो आपके जो लाइफ एक्टिविटी हैं उनको मैनेज करने की कोशिश करता है, आपको सुझाव देता है कैसे आपको मैनेज करना है, और आपके अंदर एक नया पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करता है किस तरह से आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आएंगे अपने प्रयास के द्वारा, अपने एफर्ट के द्वारा, ठीक है। मेक देयर ओन डिसीजन एंड कैरी आउट देयर ओन बर्डन, और उनको उनके डिसीजन लेने में कैपेबल बनाता है, किस तरह से सस्टेन कर पाएंगे वो, किस तरह से वहाँ पर खड़े रह पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या, कैरी आउट देयर ओन बर्डन, और जो उनके ऊपर समस्याओं का बोझ है वो समस्याओं से बाहर निकालना। It is true that a very minor percentage of our total population is capable of handling its problem without any cooperation and guidance. हमारे समाज में जितनी भी population है, mostly population अपनी problem को खुद से फैसिलेट, खुद से उन समस्याओं को फैसले नहीं ले पाते हैं, उनको सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, किसी ना किसी व्यक्ति की मदद लेनी होती है, हेल्प लेनी होती है। तो वही आपका गाइडेंस है, ठीक है। इसके बाद क्या है, गाइडेंस इज हेल्प असिस्टेंस एंड सजेशन फॉर प्रोग्रेस एंड शोइंग द वे। निर्देशन क्या है, आपको सहायता प्रदान करना, वो सहायता आपका वोकेशनल हो सकती है, एजुकेशनल होती है, हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, ठीक है। गाइडेंस इज हेल्प, ठीक है, एक सहायता है या असिस्टेंस है, आप किसी तरह से आपको प्रोवाइड वहाँ पे कराई जा रही है। सजेशन, आपको कुछ सुझाव दिए जाते हैं किस तरह से आपको प्रॉब्लम से बाहर आना है, किस तरह से प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करना है, किस तरह से प्रॉब्लम को आपको फेस करना है, किस तरह से प्रॉब्लम में आपको अपने सॉल्यूशन को ढूंढना है या सर्च करना है, ठीक है। नेक्स्ट, गाइडेंस एज ए स्पेशलाइज्ड सर्विस हुज प्राइमरी कंसर्न इज विद द इंडिविजुअल एंड टू हेल्प देम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन इन देयर चॉइस पॉइंट। गाइडेंस है जो आपका, निर्देशन है, एक विशिष्ट सेवा है या विशिष्ट सर्विस है, स्पेसिफिक सर्विस है आपको, जो जिसका प्राइमरी टास्क क्या है कि इंडिविजुअल पर्सनली आपको
आपकी समस्याओं से बाहर निकालना, आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाना और आपको आगे बढ़ाना या आगे प्रमोट करना। ठीक है, कैसे डिसीजन देना, ऐसे डिसीजन देना जो आपके लिए बेनिफिशियल हो और आप प्रॉब्लम से बाहर वहाँ आए। थर्ड आपका, बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड डेट गाइडेंस इज हेल्पिंग सर्विस। अब आप यहाँ पर समझ सकें कि गाइडेंस आपकी एक हेल्पिंग, एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपको आगे बढ़ाता है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को आगे बढ़ाता है या डेवलप करता है। किस तरह से आप रियल लाइफ में सिचुएशन को हैंडल करेंगे, किस तरह से टिपिकल टास्क को आप इजी बनाएंगे, किस तरह से अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ गोल्स हैं आपके गाइडेंस के, क्या लक्ष्य हैं आपके गाइडेंस के। तो पहला आपका, प्रोवाइडिंग द साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मनोवैज्ञानिक सपोर्ट या मनोवैज्ञानिक सोच डेवलप करना आपके अंदर। साइकोलॉजिकल सपोर्ट कौन सा होता है, आपके इंटरेस्ट, आपके एंजाइटी डिसऑर्डर, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो किस जो गाइडेंस है आपका वो उन एरियाओं में आपकी मदद करता है जहाँ आपको आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही होती। एडजस्टमेंट एंड रिसोर्स प्रोविजन, आप किसी सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं वहाँ की नई कंडीशंस को, तो किस तरह से अडॉप्ट करेंगे, किस तरह से वहाँ पर एडजस्ट करेंगे, तो गाइडेंस के थ्रू आपको निर्देशित किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग, समस्याओं का समाधान किया जाता है, डिसीजन मेकिंग की पावर आपके अंदर बढ़ती है। ओके, इम्प्रूव पर्सनल इफेक्टिवनेस, व्यक्तित्व का विकास किया जाता है जिस तरह से आप समस्याओं को समाधान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला रहेगा आपका, इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। इंसाइट का मतलब आपके अंदर थिंकिंग पावर को जनरेट किया जाता है, थिंकिंग पावर को डेवलप किया जाता है, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि आप बाहरी दुनिया के बारे में समझ सकें, अपने डिसीजन दे पाएँ। ठीक है, अगला आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो यहाँ पर आप अपनी अभिव्यक्ति, अपने आप को कैसे प्रकट करना है, कैसे अपने आप को अपीयर करना है, किसी कंडीशन में कैसे स्टैंड करना है, ये सब काम किसका है, आपकी गाइडेंस का। अचीवमेंट ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी किसी प्रकार की समस्या का निराकरण कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर आपको मेंटली भी फिट गाइडेंस के द्वारा किया जाता है। आपके अंदर जो डिसऑर्डर होते हैं उनको दूर किया जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी को दूर किया जाता है और आपको इसी वे में चीज़ों को लेना सिखाया जाता है। अगला है आपका द स्कोप ऑफ गाइडेंस। अब हम यहाँ पर गाइडेंस की स्कोप की बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, एजुकेशनल गाइडेंस, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, वो सोसाइटी जो विद्यालय से रिलेटेड होती हैं, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो लर्नर और लर्निंग और टीचिंग से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आती हैं उनका गाइडेंस एजुकेशनल गाइडेंस कहलाता है। सेकेंड, वोकेशनल गाइडेंस, यहाँ पर आपको आप जब कंफ्यूज होते हैं किस एरिया में आपको जाना है, किस एरिया में आपको अपना फ्यूचर ऑप्ट करना है, किस डायरेक्शन में आपको आगे की लाइफ कंटिन्यू करनी है, तो यहाँ पर आपका जीवन यापन संबंधित किस तरह से आपको अपने आप को डेवलप करना है, उन चीज़ों की हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन सा आपको व्यवसाय ऑप्ट करना है, किस तरह से हमको प्रिपरेशन करनी है, कैसे जॉब में एंट्री करनी है, कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है। थर्ड आपका पर्सनल गाइडेंस, यहाँ पर पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स में मैनी पीपल्स हैव फेस सेवरल प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। ठीक है, मैरिज प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर इंडिविजुअल प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद नेचर ऑफ गाइडेंस की हम बात कर लेंगे। यहाँ पर हेल्प्स पीपल टू मेक वाइज चॉइस वेन फेस द वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल। गाइडेंस का कार्य यहाँ पर ये होता है, लोगों को हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन देते हैं उनकी समस्याओं के अकॉर्डिंग कैसी समस्याओं से बाहर आना है, जहाँ पर कई ऑप्शन अवेलेबल कराए जाते हैं। सेकेंड आपका, हेल्पिंग पीपल टू सॉल्व देयर एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल प्रॉब्लम। यहाँ पर हम उसकी किसी भी प्रकार की समस्या का निराकरण करते हैं, वो आपकी शैक्षिक हो सकती है, व्यावसायिक हो सकती है और व्यक्तिगत भी हो सकती है। हेल्पिंग पीपल टू मेक एडिक्यूट एडजस्टमेंट इन हिज लाइफ सिचुएशन। यहाँ पर हम व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं, किस तरह से वो एडजस्ट कर पाएगा अपने एनवायरनमेंट में, अपना कंडीशंस में या जो उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वहाँ पर। हेल्पिंग पीपल टू डेवलप ए मोर रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्फ एंड देयर एनवायरनमेंट। वो वहाँ पर जो रियलिस्टिक होती है, जो रियलिटी होती है, उनको समझेगा किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन करना है। उसके बाद हेल्पिंग पीपल टू नो देयर पोटेंशियल
ठीक है, टू एक्वायर नॉलेज ऑफ देयर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, देयर इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट, वैल्यूज, लेवल ऑफ मैच्योरिटी। यहाँ पर हम उनको, उनके अंदर जो इननेट पावर होती है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, उनको हम बाहर निकालते हैं, उसको बताते हैं कि आप इन प्रॉब्लम्स को समाधान, सॉल्यूशन खुद से कर पाएंगे अपनी नॉलेज के बिहाफ पर, अपने इंटेलिजेंस लेवल के आधार पर, अपनी रुचियों के आधार पर, अपनी अभिक्षमताओं के आधार पर, अपने स्वप्रत्यय के आधार पर। हेल्पिंग पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड मोस्ट इफेक्टिवली, इफिशियंटली, इन मोस्ट डिजायरेबल वे। उनको हम सेटिस्फाई करेंगे जो प्रॉब्लम्स हैं इफेक्टिव वे में, और जो उनके लिए उपयुक्त होंगी। हेल्पिंग पीपल टू ब्रिंग एक्सीलेंस इन देयर अकॉर्डिंग देयर एबिलिटी एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर जो उनकी एबिलिटी हैं, जो क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, उनके आधार पर किस तरह से समस्याओं का निराकरण करना है। पर्पस ऑफ गाइडेंस का क्या है यहाँ पर? गाइडेंस इज हेल्प वन टू एडजस्ट टू एबिलिटी। यहाँ पर जो गाइडेंस का वर्क है, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना, इन्वायरमेंट में आपका सोशल इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट, आपका वोकेशनल इन्वायरमेंट, किसी भी टाइप का इन्वायरमेंट आ जाएगा जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपको डायरेक्शन देना, आपको एक नया वे दिखाना, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, आपके सोसाइटी के अकॉर्डिंग और चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो गाइडेंस है आपका एक एलिमेंट्री लेवल पे है। यहाँ पर क्या है, जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है, फर्स्ट टाइम देखता है, तो वहाँ पर अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस होती है, बच्चे के अंदर इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तब हम उसका गाइडेंस करते हैं कि वो किस तरह से इन चीज़ों से बाहर आएगा। अगला आपका सेकेंडरी लेवल का है, तो यहाँ पर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसका मेमोरी लेवल डेवलप होता है, इंटेलिजेंस लेवल डेवलप होता है, तो उसको भी गाइडेंस हम देते हैं कि वो किस करियर में जाना चाहता है, कौन सी स्ट्रीम लेना चाहेगा और किस वे में वो पढ़ना चाहेगा। अब एक बात कर लेते हैं यहाँ पर हम काउंसलिंग की। ठीक है, काउंसलिंग इज़ द इंटीग्रल एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द गाइडेंस। गाइडेंस के जब हम गाइडेंस किसी को कर रहे होते हैं, तो साथ में हमारा काउंसलिंग का पार्ट चल रहा होता है, क्योंकि काउंसलिंग के थ्रू ही हम किसी को गाइड करते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग के भी आपके यहाँ पर कई पार्ट हैं, आपका जो स्कोप है, आपका एजुकेशनल है, आपका मैरिज है, आपका पर्सनल है, आपका सोशल है, रिहैबिलिटेशन है, आपका वोकेशनल है, तो इस तरह से हम बात कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स, जो गाइडेंस है स्टूडेंट को क्या कंट्रीब्यूशन करता है, तो यहाँ पर आपका टू हेल्प देम अंडरस्टैंड देम सेल्फ बाई नोइंग मोर अबाउट देयर एबिलिटी एप्टीट्यूड इंटरेस्ट लिमिटेशन। यहाँ पर हम बच्चे को उसकी योग्यताओं, क्षमताओं, अभिक्षमताओं, रुचियों के बारे में बताते हैं, ये जानने में मदद करते हैं। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा टू गेट अलॉन्ग बेटर विद द अदर पीपल एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन विच दे लिव। वो संसार को समझते हैं, अपने आसपास के एरिया को समझते हैं, तो आपके यहाँ पर लिखे हुए, यहाँ पर पढ़ लेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबी हो रही थोड़ा, तो यहाँ पर दिए हैं, आप इनको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर लेंगे, गाइडेंस का कंट्रीब्यूशन क्या है। ओके, थैंक यू।